सब्सक्राइब कर दियंतु आम यूट्यूब चैनल एसके स्टडी फैमिली को एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु सबटर प्रथम एमो वीडियो को देखिबा पई। वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली रे समस्त को स्वागत। आज आम अर्थनीतिर प्रथम अध्याय अर्थनीतिक विकास प्रश्नावली करवा। बहुत पिला रिक्वेस्ट करते जो मोर बुक क्वेश्चन रही तार आंसर पई, ताले आज आम वीडियो रे अर्थनीतिक विकास प्रश्नावली डिस्कस करवा। यह मोर पार्ट सेवेन वीडियो, ताले देखिबा कौन कौन क्वेश्चन रही। दुई नंबर क्वेश्चन रही, पूर्व वीडियो आम कौन एक नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते, ए वीडियो आम दुई नंबर क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन और चार नंबर क्वेश्चन डिस्कस करवा। और जो पिलाने पूर्व पार्ट देखी ना वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दी जाएगी, लिंक में क्लिक करके देखी नि। मोर फास्ट क्वेश्चन रही संक्षिप्त टिप्पणी लेख, कौन कौन रही संक्षिप्त टिप्पणी में आर्थिक विकास उदारीकरण विकसित देश घरईकरण विकासोन्मुखी देश मिश्र अर्थनीति विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी। तीन नंबर रही पार्थक्य दर्शक, पार्थक्य कौन कौन रही जातीय मुंडपिछाए विकासोन्मुखी देश विकसित देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक अभिवृद्धि और आर्थिक विकास। एवं चार नंबर रही जगतीकरण व्यवस्था भारत आर्थिक व्यवस्था को किपर प्रभावित करिछि वर्णना करो। ताले प्रथमे दुई नंबर देखिबा, दुई नंबर फास्ट रही आमर फास्ट कौन रही आर्थिक विकास देखिबा। आर्थिक विकास रे कौन लिखिबा फास्ट देखिबा मे दुई नंबर क्वेश्चन जो रही आर्थिक विकास फास्ट पॉइंट देखि लिखिबे। आर्थिक विकास कहिले मुख्यतः आर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाई थाय। सेकेंड पॉइंट देखि लिखा हबो देशर मुंड पिछाय एवं मोट जातीयर क्रमगत वृद्धि द्वारा आर्थिक अभिवृद्धि होइथाय एवं आर्थिक अभिवृद्धि हेले ही आर्थिक विकास संभव होइथाय। एथिला आर्थिक विकास रो आंसर। तापर देखिबा उदारीकरण, उदारीकरण कोन लिखाबो संक्षिप्त टिप्पणी रे फास्ट पॉइंट देखि लिखाबो उदारीकरण हेउछि एक नीति जेउतिरे शिल्प क्षेत्र आमदानी एवं रप्तानी पई पूर्वरु प्रचलित थिबा सरकारी कटकणा जथा लाइसेंस फी टैक्स इत्यादि रे उच्छेद करा जाइथिला। सेकेंड बिट देखी कौन लिखे ना एथिरे घर उद्योगपति बहुराष्ट्रीय कंपनी मानू विभिन्न प्रकार स्वाधीनता प्रदान करपरिकी से क्यों प्रकार पदार्थ उत्पादन करेंगे केते परिमाण करेंगे एवं क्योंठे करेंगे एथिला उदारीकरण। तापर देखा ग गरे कौन रही गरे रही विकसित देश। तले फास्ट पॉइंट हम जो देशर लोक मानर जीवन जापन मान अति उच्च और उन्नत धरण होता है से देश को विकसित देश कहा जाए। तले विकसित फास्ट पॉइंट कौन हम जो देश लोक मानर जीवन जापन मान अति उच्च और उन्नत धरण होता है से देश को विकसित देश कहा जाए। सेकेंड पॉइंट देखी लिखा हो यही देशर जनसंख्या नियंत्रण अवस्था थाए। थर्ड नंबर पॉइंट यही देशर मुंड पिछाए क्रमगत वृद्धि पाई एवं फोर्थ बिट्रे लिखे यार उदाहरण अर्थात क्यों क्यों देश विकसित देश होटंती ना युक्तराष्ट्र अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड जापान एगुटा है कौन विकसित देशर उदाहरण। जदि क्वेश्चन आंसर बुझे तो पूर्व पार्ट गुटा देखूँ भल भाव डिस्कस सहजरे बुझिपारे जदि बुझे ओके। तापर नेक्स्ट देखा घ नंबर क्वेश्चन घरे कौन रही घरे रही घरईकरण घरईकरण तले कौन हम फास्ट पॉइंट देखिए लिखा हे फास्ट पॉइंट देखिले कौन लिखे विभिन्न क्षेत्र में सरकारी उद्योग गुड़िकर विफलता जो जो नूतन आर्थिक नीति प्रणयन करईकरण नीति कह जाए। सेकेंड पॉइंट हम बहु क्षेत्र में घर उद्योग मानू सरकारी उद्योग सहित प्रतिजोगिता करने उत्साहित कर तापर तीन नंबर पॉइंट लिखे तीन नंबर पॉइंट कौन यह नूतन आर्थिक नीतिर एक वैशिष्ट्य घरईकरण कौन नूतन आर्थिक नीतिर एक वैशिष्ट्य घर जो आम नूतन आर्थिक नीति रही तार तीनो वैशिष्ट्य रही उदारीकरण घरईकरण और जगतीकरण। तापर देखा नेक्स्ट रही वन नंबर क्वेश्चन रही विकासोन्मुखी देश। तले फास्ट पॉइंट हे जो देशर लोक मानर जीवन जापन मान अति निम्न धरण होता है से देश को विकासोन्मुखी देश कह जाए।
सेकंड पॉइंट एही देशर जनसंख्या नियंत्रण अवस्था न थाए। बिट थ्री रही देशर मुंड पिछा आय आशानुरूप वृद्धि पाई न थाए। एवं लास्ट पॉइंट लिखे यार उदाहरण अर्थात क्यों क्यों देश विकासोन्मुखी देश अंतर्भुक्त, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एगुटे विकासोन्मुखी देश अंतर्भुक्त। एगुटा सर्ट क्वेश्चन पड़ी थे। भारत आर्थिक विकास अनुसार क्यों देश अंतर्भुक्त, पाकिस्तान क्यों देश अंतर्भुक्त, श्रीलंका, बांग्लादेश एगुटा कौन विकासोन्मुखी देश अंतर्भुक्त। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट रही छ नंबर, छ नंबर रही कौन मिश्र अर्थनीति। तले मिश्र अर्थनीति अर्थनीतिर देखा कौन हम अनुसार फास्ट पॉइंट देखिए लिखे जो अर्थ व्यवस्था उभय सरकारी और घर मालिकाना द्वारा परिचालित होता है मिश्र अर्थव्यवस्था कह जाए। सेकेंड पॉइंट एगुड़िक लाभ आशा रखी कार्य करते मिश्र अर्थव्यवस्था कौन लाभ आशार कार्य करपर देखा विश्व वाणिज्य संगठन कौन अच्छे विश्व वाणिज्य संगठन। फास्ट पॉइंट देखिए लिखे 1995 मसीहा जातिसंघर विभिन्न सदस्य मानक नहीं विश्व वाणिज्य संगठन सृष्टि कर 1995 मसीहा विश्व वाणिज्य संगठन सृष्टि होता। सेकेंड पॉइंट यार मुख्य कार्यालय जेनिभाठार अवस्थित, यार मुख्य कार्यालय कौटी जेनिभाठार अवस्थित। थर्ड नंबर पॉइंट यही संगठन मूल उद्देश्य है पृथ्वीर विभिन्न देश मान द्रव्य सेवार विनिमय कर वाणिज्य कारबार वृद्धि करवा और विश्व अर्थनीति को सुदृढ़ एवं समृद्ध कर गढ़ी तोल। तो कहार विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य लक्ष्य तेल थिला विश्व वाणिज्य संगठन। तापर देखा नेक्स्ट नेक्स्ट रही जनम्बर, जनम्बर रही जगतीकरण कौन रही जगतीकरण। तेल देखा जगतीकरण कौन हम फास्ट पॉइंट देखिए लिखे देश देश मध्य वाणिज्य व्यवसाय और पुंजी विनियोग कर स्वाधीनता को जगतीकरण कह जाए। सेकेंड पॉइंट यही प्रकार अर्थनीति हूँ बजार भित्तिक अर्थनीति। ए प्रकार अर्थनीति कौन बजार भित्तिक अर्थनीति। तीन नंबर पॉइंट यह हूँ नूतन आर्थिक नीतिर एक वैशिष्ट, यह हूँ नूतन आर्थनीति एक वैशिष्ट। तापर देखा झरे रही बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन हम फास्ट पॉइंट हम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी विक्रय निमित्त तहार उत्पादित द्रव्य को सारा पृथ्वी उपलब्ध कराई। एवं सेकेंड पॉइंट देखिए लिखे यह सहित यही द्रव्य को तैयारी विभिन्न देशर साहय नहीं था बहुराष्ट्रीय कंपनी जोटा को एम एन सी कह जाए। तापर देखा नेक्स्ट नेक्स्ट रही तीन नंबर क्वेश्चन, दुई नंबर क्वेश्चन सरगला। तीन नंबर क्वेश्चन रही पार्थक्य दर्शाओ, तीन नंबर क्वेश्चन कौन रही पार्थक्य दर्शाओ। पार्थक्य रही जातीय मुंडपिछा आय, विकसित देश, विकासोन्मुखी देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, आर्थिक अभिवृद्धि, आर्थिक विकास। तेल फास्ट देखा क नंबर क्वेश्चन, क नंबर क्वेश्चन रही जातीय आय और मुंडपिछा आय। तेल फास्ट देखा जातीय एवं मुंडपिछा आय। जातीय फास्ट पॉइंट लिखा हो जो रही है जातीय आय तार फास्ट पॉइंट कौन हम पूर्व डिस्कस कर सारे कौन सी देशर वर्षक मध्य उत्पादित होता समस्त द्रव्य सेवार मुद्रागत मूल्य एवं ता सहित विदेश आसुवा आयर समष्टि को जातीय आय कह जाए। ये जातीय आयर डेफिनेशन। तापर देखा मुंडपिछा आय, मुंडपिछा आय क्या कह जाए कौन सी देशर मोट जातीय आय को से ही देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले जो आय मिली थाए मुंडपिछा आय कह जाए। तापर देखा दुई नंबर पॉइंट, दुई नंबर पॉइंट जातीय दुई नंबर पॉइंट लिखे जातीय इक्वल टू कौन यह सर्ट्रे लिखा देशर आय प्लस विदेशर आय, देशर उत्पादित समस्त द्रव्यर मूल्य और ता सहित विदेश आयर समष्टि को कौन कह जातीय आय कह जाए। जदि बुझी होनी तेल पूर्व पाठ गुड़ाक देखनी आराम बुझीपर कि असुविधा हे ना। तापर अच्छे मुंडपिछाई, मुंडपिछाईर सेकेंड पॉइंट हे मुंडपिछा इक्वल टू कौन हुए मोट जातीय आय बाय केते सही देशर जनसंख्या। मुंडपिछा इक्वल टू कौन हुए मोट जातीय आय एवं सही देशर जनसंख्या। तेल कौन सी देशर मोट जातीय आय को सही देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले जो आय मिली था मुंडपिछा आय कह जाए। सर्टे जदि लिखा यहपरी हे ओके। तापर देखा ख नंबर क्वेश्चन, ख नंबर क्वेश्चन रही विकासोन्मुखी देश
ଓ ବିକଶିତ ଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶ। ତାହେଲେ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶମୁଖୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ବିକାଶମୁଖୀର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ମାନ ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦେଶକୁ ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ବିକଶିତ ଦେଶର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ, ଏହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବିକଶିତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥାଏ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତାପରେ ବିକାଶମୁଖୀରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ଏହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଏହି ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିକଶିତ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କ'ଣ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ତାହେଲେ ବିକାଶମୁଖୀରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆଶାନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ, ଆଶାନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେଉଁଗୁଡ଼ା ବିକଶିତ ଦେଶ। ବିକଶିତ ଦେଶର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ। ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶର ଦେଖିବା ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିଲା ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର, ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ତାହାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ସମାଜବାଦୀରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏହା ଲାଭ ଆଶା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଲାଭ ଆଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ଏହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ? ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏହା ଲାଭ ଆଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର, କୌଣସି ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୋଟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛାର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେଉଁଠି? ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ। କେଉଁଠି? ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ପିଛାକୁ ଆଧାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜଗତୀକରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ତାହେଲେ ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ତାହେଲେ ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିପାରିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? 1991 ମସିହାଠାରୁ। କେବେଠୁ? 1991 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ନା, ଏହା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ
ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେସବୁ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ଦେଶରେ ଆମ ଦେଶର ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକୁ କ'ଣ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।